जय हिंद दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किसानों में कर्ज माफी को लेकर असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कर्ज माफी जैसे वादे किए गए थे, परंतु सत्ता में नई सरकार के आने के बाद कर्ज माफी जैसे विषय किसानों के लिए एक सपना सा रह गया है। क्योंकि हम सभी यह जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने कर्ज माफी जैसा वादा किसानों को ना करके बोनस देने का वादा किया है, जिसे वर्तमान में 25 दिसंबर को दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि आखिर किसान असमंजस की स्थिति में क्यों हैं। इसका कारण है कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने कांग्रेस के कर्ज माफी वादे को देखते हुए बैंकों से दुगनी कर्ज लिए हुए हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2020-21 में 12,65,910 किसानों ने 5,058 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है। वहीं वर्ष 2021-22 में 12,99,681 किसानों ने 5,457 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। वहीं वर्ष 2022-23 में 14,04,799 किसानों ने 6,527 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसे अब बैंक किसानों से वसूलने की तैयारी में है। दोस्तों, आप सभी को याद दिला दें कि वर्ष 2018 में भूपेश सरकार ने केवल अल्पकालीन ऋण को माफ किया था, लेकिन मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण को माफ नहीं किया था। यदि हम 2023 के अल्पकालीन ऋण की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों के द्वारा खरीफ वर्ष 2023 में किसानों को अल्पकालीन ऋण वितरण की राशि 7,040 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसे अब किसानों से वसूला जाना है। दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कर्ज माफी को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है, यानी कि किसानों से कर्ज वसूलने की तैयारी बैंकों ने कर ली है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।